टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने जा रही एक पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में गुम हो गई थी। इस पनडुब्बी पर पाकिस्तानी और अमेरिकी अरबपतियों के अलावा कुछ 5 लोग सवार थे। 5 यात्रियों में पाकिस्तानी मूल के अरबपति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति बिजनेसमैन हामिश हाडिड, फ्रेंच नागरिक पॉल ऑर्नी नॉर्जलेट और पनडुब्बी संचालित करने वाली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव एस्टॉक्सन रश शामिल थे। इन लोगों की तलाश के लिए अमेरिकी और कनाडा की नौसेना ने अभियान भी चलाया हुआ था, लेकिन काफ़ी देर के बाद इस अभियान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये मान लिया गया कि ये पांचों अरबपति की जान जा चुकी है। ये पनडुब्बी समुद्र में गोता लगाने के 45 मिनट के अंदर ही गायब हो गई थी। इस पनडुब्बी में चंद घंटों का ही ऑक्सीजन बचा हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए आखिर अरबपतियों ने कितना पैसा खर्च किया था। दोस्तों, हाल के कुछ दशकों में टाइटैनिक जहाज की कलाकृतियों को फिर से हासिल करने के लिए जहाज के मलबे पर नज़र रखने के लिए अटलांटिक महासागर में कई लोग राउंड लगा चुके हैं। इन हाई प्रोफाइल सी विजिट्स ने कई उपन्यासों, नाटकों, टीवी शो और फिल्मों को प्रेरणा दी है। सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी में ब्लेयर सेंटर फॉर टेलीविजन एंड पॉपुलर कल्चर के संस्थापक रॉबर्ट थॉम्सन ने ABC न्यूज़ को बताया है कि टाइटैनिक मूल रूप से उस रात से ही लोकप्रिय है जिस रात को ये ग्लेशियर से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड कनाडा के तट से करीब 600 किलोमीटर दूर है। 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक में एक ग्लेशियर के टकराने से टाइटैनिक जहाज इसमें समा गया था। इसके टकराने के बाद ही एक साइलेंट फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। टाइटैनिक जहाज पर कई हाई सोसाइटीज के पैसेंजर्स का होना, उस समय जहाज की असाधारण स्पीड, उच्च मृत्यु दर और कभी न डूब सकने के अकल्पनीय दावे की वजह से ये आज तक रहस्य का विषय बनी है। थॉम्सन की माने तो अगर कोई सड़क पर भी है तो बाकी जहाज़ों के बारे में जब बात होती है तो लोगों को बस टाइटैनिक याद आता है। द ओशियन फाउंडेशन के एक सीनियर फेलो ओलिव वर्मर के अनुसार टाइटैनिक आज तक मशहूर है। इसका एक कारण ये भी है कि इसके डूबने की खबर तेजी से फैली थी। टाइटैनिक का मलबा दिखाने का काम ओशन गेट नाम की कंपनी करती है। इस कंपनी ने टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए अरबपतियों से कितना टिकट का चार्ज किया था, यानी कि एक एक अरबपतियों ने कितने रुपए में टिकट खरीदा था, ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, टाइटैनिक का मलबा दिखाने का काम ओशन गेट नाम की एक कंपनी करती है। इस कंपनी के पास एक छोटी पनडुब्बी या समरसेबल है जो समुद्र की गहराइयों में उतरकर यात्रियों को टाइटैनिक का मलबा दिखाती है। टाइटैनिक का मलबा देखने में कुल 8 दिनों का वक्त लगता है। इसकी टिकट की कीमत करीब माने तो $2.5 लाख, यानी एक टिकट की कीमत है करीब 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। पनडुब्बी यात्रियों को समुद्र में 3800 मीटर नीचे ले जाकर टाइटैनिक का मलबा दिखाती है। इस दौरान हमेशा खतरा बना रहता है कि इस यात्रा की कीमत और ख़तरे के कारण सिर्फ चंद लोग ही टाइटैनिक का मलबा देखने का हिम्मत जुटा पाते हैं। दरअसल टाइटैनिक को डूबे 111 साल हो चुके हैं। यह मलबा समुद्र में लगभग 4000 मीटर की गहराई पर पड़ा हुआ है। समुद्र के खारे पानी के कारण टाइटैनिक का मलबा तेजी से गल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यही रफ्तार रही तो कुछ साल बाद टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से समुद्र में गायब हो जाएगा। इस कारण लोगों में टाइटैनिक को मलबे को देखने के लिए बड़ा उत्साह रहता है।